You want Maggie? Yes. Maggie. No, Maggie. No, Maggie. बांग्लादेश की कम्युनिटी है, एक हिंदू टेम्पल है, बंगाली हिंदू टेम्पल है, और दुर्गा बाड़ी करके बहुत सारी जगह हैं, तो पूरी एक लिस्ट आई है, तो उसके हिसाब से 3-4 दिन प्रोग्राम है। मेरा गुड्डा, ये मैगी 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 मैगी, आई एम कुकिंग, वेट। अब उसको लग रहा है कि मतलब जल्दी बन जाए, पैकेट से निकाली उसको ऐसे ही दे दो, थोड़ा तो बनने में टाइम लगेगा। कि माता रानी के दर्शन कर लीजिए, ये मैं नीचे से फूल लेकर आ गई थी, तो इसकी मैंने माला बना दी थी छोटी सी, बहुत प्यारी लग रही थी, लाल लाल फूल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हम लोग एकदम मजे में हैं। आज यहाँ पर नवरात्रि लग चुकी है और इंडिया में भी नवरात्रि लग चुकी होगी, तो आप सभी को जय माता दी और माता रानी के 9 दिन की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे हम लोगों में मतलब शुरू का आखिरी का व्रत रहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो शुरू का आखिरी का रह लेता है वो वैसे रह लेता है, 9 दिन भी रह लेते हैं, ऐसा मतलब बहुत वो नहीं है कि सबको 9 दिन ही करना है। लेकिन मैंने इस बार सोचा है माता रानी की कृपा से अगर हो जाए तो 9 दिन के व्रत रहूंगी। हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, तो पिछली बार भी जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने यहाँ पे आने के बाद में नवरात्रि की थी, जैसे आए थे उसके बाद में फरवरी मार्च में जो चैत की नवरात्रि आती है वो किया था, और कन्या पूजन करने के लिए हम मंदिर गए थे, तो उसी की प्लानिंग मैं करूँगी आज, क्योंकि आज है संडे, थोड़ा सा सामान लेने भी जाना है और पूजा मेरी हो चुकी है। आप पहले दर्शन कर लीजिए। कि माता रानी के दर्शन कर लीजिए, ये मैं नीचे से फूल लेकर आ गई थी, तो इसकी मैंने माला बना दी थी छोटी सी, बहुत प्यारी लग रही थी, लाल लाल फूल थे, बहुत सुंदर लगता है वैसे भी। और ये वाला मेरे पास ये फोटो था जो मैंने पिछली बार भी यूज़ किया था नवरात्रि में, तो ये फोटो को मैंने पीछे से कार्डबोर्ड से चिपका के अच्छे से लगा दिया था, यही मेरे पास माता रानी का एक तस्वीर है। और फिर उसके बाद चुन्नी मैं लेकर आई थी, चुन्नी मैंने चढ़ा दी है और पूजा हो चुकी है। जय माता दी, जय माता दी, बोलो माता रानी की जय, आरती जय हो माता रानी। भी आरती ले लेते हैं, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, माता रानी अपनी पूजा को स्वीकार करना। अभी मैं गए हुए हैं सामान लेने के लिए और स्वदी को मैंने सुला दिया। सच बताऊँ तो ना, स्वदी इतना ज़्यादा हुड़दंग मचाने लगी है, 2 दिन की छुट्टी में उसको सारे ये जो तकिए हैं पूरे नीचे रखने होते हैं, और नीचे रख के उन पर कूदती है, जंप करती है। यार ये दाना कैसा लग रहा है, एकदम चेहरा पूरा अलग लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत निकलते रहते हैं ऐसे कभी कभी, थोड़े छोटे छोटे पिंपल। तो अभी मैंने उसको सुला दिया है, खाना खा के वो सो चुकी है, करीबन 1 से 2 घंटे तक वो सोएगी, तब तक के लिए चैन मिलेगा। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में मैंने सोचा कि आज क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान इसलिए भी मंगवाया है क्योंकि देवी का जो सामान रहेगा जो मुझे बांटना है वो तो आएगा ही आएगा, साथ साथ दिवाली आने वाली है, तो थोड़ा सा जो इंडियन स्टोर्स हैं उन पर जाके देखना है कि भगवान जी वगैरह मिलेंगे या नहीं, जैसे छोटे से लक्ष्मी जी गणेश जी कुछ इस तरीके से, या फिर अलग से किसी जगह जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो वो सब भी कराना था। फिर उसके बाद में मौसम कब कैसा हो जाए इसलिए कुछ कह नहीं सकते, तो पास ही में था तो मयंक जाके लेके आ गया, ठंड बहुत हो रही थी इसलिए जाना मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं जा रही हूँ, आप ही जाके लेके आ जाइए। तो अभी मैं सारा खाना वाना करके, मैंने आलू बनाया था और कुट्टू का चावल बनाया था, तो वही मयंक का भी फास्ट है आज, मेरा भी फास्ट है, स्वदी ने भी आलू से रोटी खा ली थी, काम हो गया है, पूजा वूजा हो गई थी। अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ना थोड़ा मुझे डेकोरेशन का सोचना पड़ेगा, इतने ही दिन बचे हैं, इसके बाद में बीच में करवा चौथ आ जाएगा, फिर उस दिन फास्टिंग रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे दिन निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा दिवाली यूँ ही आ जाएगी। तो मैंने सारा सामान अभी समेटा है, ये सारे के सारे कुशन नीचे मैडम उतार देती है, पूरा घर तहस नहस कर देती है, उसको घर से ठीक किया है और अभी आराम से बैठी हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ, थोड़ा सा ना बालों को बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे झाड़ू जैसे हो रहे थे, तो थोड़ा सा ट्रिम किया है, आगे से भी थोड़े से बाल तबीज के किए, थोड़ा सा एकदम झाड़ू झाड़ू सा लुक आ रहा था, बहुत नीचे से एकदम जैसे पूंछ नहीं हो जाती वैसा हो गया था। अभी मैं शाम का टाइम हो गया है और मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ और सामान वामान लेके आ गया, लेकिन मैडम जी उठने के बाद बोल रही है मम्मा आई वॉन्ट मैगी, अब हम दोनों का तो व्रत है तो उनके लिए मैं मैगी बनाने जा रही हूँ मैडम के लिए, इसी मैगी बना रही है, इसी के लिए खा लेगी ये। व्हाट, नो नॉट डन, इट्स नॉट डन, आई एम कुकिंग, वेट। अब उसको लग रहा है कि मतलब जल्दी बन जाए, पैकेट से निकाली उसको ऐसे ही दे दो, थोड़ा तो बनने में टाइम लगेगा। उस कुकिंग हो रही है बेटू, उसकी हवा निकल उसकी हवा निकल, बेबी आई जस्ट कुकिंग, इट्स कुकिंग नाउ, ये कुकिंग हो रही है ना, वेट। तुमको वेट नहीं हो रहा है, वेट वेट Wait for 2 minutes, okay? Wait for 2 minutes. Huh?
Yes. Sure. You want Maggie? Yes. Maggie. No, Maggie. No, Maggie. Oh. Please. Mama, please. Bolo mama, please. Mama, please. Are you a good dog? Yeah. Yay! Maggie, Maggie, Maggie. Maggie, Maggie. It's cooking now. Wait, wait, wait. Wait. रुक, कटोरी भी लेके बैठी हो, किसी में खाना है तुमको? हैं, रुक जाओ दो मिनट बेटा, इस पे सबर नहीं हो रहा है। वेट, किसका है ये? ये किस? हैप्पी ना बाबू? लेकिन ये इट्स वेरी हॉट, पे भी ध्यान से खाना। ये देखो, ये बन रही है सिंगाड़ी के आटे की पकौड़ियाँ। आज मैंने ये बनाया है, और जैसे कि व्रत में बनती है हमारे यहाँ पे समा वाले चावल की राइस, समक राइस वाली। देखो कि खीर, तो खीर इधर चढ़ी हुई है, और इधर ये बन रहे हैं पकौड़ियाँ। वैसे मैं जनरली कूटू की बनाती हूँ, इस बार मैंने सिंगाड़ी की पकौड़ी बनाई है। तो अभी खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मैंने फटाफट से काम किया। मैंने कहा चलो 8 बजे तो स्वदी ने मैगी मांगी, स्वदी को मैगी दे के थोड़ी देर शांति पड़ी, तब मैं लगातार कुछ काम कर पाई हूँ। और अभी जस्ट मैं थोड़ा सा ये खाना निकाल दूँ, और उसके बाद चटनी भी बना ली आज। एक्चुअली थोड़ा से सामान लेकर आए थे, तो उसमें धनिया लेकर आए थे, तो मैंने आज चटनी बना ली है। तो धनिया के साथ पकौड़ियाँ ये सब अच्छी लगती है। सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च डाल के बनाई है, और थोड़ा सा अदरक। तो आज थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले सुबह आलू बने थे, और अभी मैंने पकौड़ी, खीर और ये सब बनाया है, चटनी वगैरह। और सुबह का चावल, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कूटू का जो चावल है उसकी खिचड़ी भी रखी हुई थी। मैं अभी खाना लेके बैठी हुई हूँ, और पकौड़ी बन चुकी है। ये देखो पकौड़ी, और ये गया आज चटनी से बहुत अच्छी बनी है, सच बता रही हूँ। अदरक और काली मिर्च और सेंधा नमक, सिर्फ उतना ही डाला है मैंने, और वो सल के बनाई है। स्वदी को, स्वदी के लिए अलग से रोटी बना रही है, आज खीर बनी है तो उसी से खा लेगी। खाना हो चुका है हमारा, मतलब मैं और स्वदी ही बचे हुए हैं, माइक ने खाना खा लिया है। और पूजा वूजा तो हो ही गई थी, आपने लोगों ने देखा, आज से नवरात्रि चालू हो गया, 9 दिन तक पूरी पूजा ही रहेगी ऐसी। स्वदी, स्वदी इधर आओ भैया, वहाँ पे बैठी हुई है, आ जल्दी आओ। हाँ, कल से स्कूल जा रही, फिर से वही नंबर लग जाएगा। कपड़े वगैरह धो दिए थे मैंने आज, वैसे भी फ्राइडे को जनरली मैं जो धोती हूँ, तो फ्राइडे भूल गई थी धोना, इस बार कुछ ना कुछ काम लगा हुआ था, ध्यान ही नहीं था। और इस चक्कर में मैंने सोचा आज तो धो ही दूँ कम से कम कुछ गंदी, क्योंकि एक हफ्ते में इसकी जैकेट स्पेशली, क्योंकि वो बालू में खेलती है, सब गंदे गंदे हाथ लगाती है, कुछ कुछ गिराती है, तो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। कभी तो हफ्ते में धोनी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है 15 दिन में धो। तो ऐसे इस चक्कर में मुझे थोड़ा काम हो जाता है, फिर मेरे को लगा आज तो सैटरडे है, मतलब कल सैटरडे था, निकल गया, आज संडे ऐसे निकल जाएगा। बहुत कुछ बने, सिंगाड़ी के आटे का ना एक अलग टेस्ट आता है, कुट्टू के आटे की हमेशा ही बनाइए, आज मैंने सिंगाड़ी का आटा यूज़ किया, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। मैंने पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सारा काम हो गया है, आज का काम सच में इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज लगभग हम लोगों को 10:30 हो गया, अभी तक सोई नहीं हूँ मैं। और जो जो प्लान होगा, वैसे दुर्गा पूजा तो, मतलब ये जो नवरात्रि के 9 दिन है, ये तो अभी चलने ही वाले हैं, तो अभी तो लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्लान बनेगा। और वैसे भी वीकेंड में हम लोग कुछ ना कुछ सोच रहे थे जाने के लिए, आसपास बहुत सारे यहाँ पे दुर्गा पंडाल, पंडाल टाइप का, मतलब ऐसा है कि दुर्गा पूजा जहाँ हो रही है, बंगाली कम्युनिटी है, और जो बांग्लादेश की कम्युनिटी है, एक हिंदू टेम्पल है, बंगाली हिंदू टेम्पल है, और दुर्गाबाड़ी करके बहुत सारी जगह हैं। तो पूरी एक लिस्ट आई है, तो उसके हिसाब से 3-4 दिन प्रोग्राम है, कहीं से षष्ठी से चालू हो जा रहा है, कहीं पूरा 9 दिन का प्रोग्राम है, तो वो भी देखना है। फिर उसके बाद में जो हमारा लक्ष्मीनारायण मंदिर है, वहाँ अष्टमी पे तो मुझे जाना ही है, क्योंकि कन्या पूजन करना है। तो आप आप आने वाले ब्लॉग्स में मेरे काफ़ी कुछ देखेंगे, और जो भी मेरी अपडेट होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और कल है मंडे, स्वदी को स्कूल भेजना है, और मैं अभी तक उसको सुला नहीं पाई हूँ, क्योंकि 10:30 हो गया, आज खाना थोड़ा सा लेट हो गया था।
तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। जय माता दी।